फुलटू यारी हाउसफुल है रास हमारी मस्ती करना काम हमारा जेब में है ये दुनिया सारी हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं गाड़ी किसी की धक्के खाए कोई बनेगा लीडर ओए होए इतराना है काम किसी का कोई बनेगा हीरो पर फड़ने की बात जहाँ है वहाँ है सारे जीरो लेकिन अब ये मंत्र हमारा हम चुनेंगे राह सही हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं रोज रोज अब जाके स्कूल समझ में आई अपनी भूल पढ़ लिख कर बन सकते हैं इस बगिया के हम भी फूल हम किसी से कम नहीं मेरा फैसला अटल है तो मेरा फैसला भी कान खोल कर सुन ले आज के बाद उस लड़के का नाम भी अपनी जुबान पर लिया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी और नहीं आंटी जी ऐसी बात मुंह से ना निकालो ओए अब तो मुझे सिखाएगी हाँ, नहीं वैसे आपका मुंह है जैसी मर्जी बात करो है ना माँ मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश तो करो और मेरी भावनाएं अरे 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुझे मेरी ममता का तू ये कर्ज अदा कर रही है माँ मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ हे भगवान तूने ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए ना अब देखिए ना बहन जी इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा छुटकी के बाबूजी को जब से पता लगा है ना उन्होंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है माँ अगर मेरी वजह से बाबूजी और आपको इतना ही कष्ट होता है तो मैं और बिरजू कहीं दूर चले जाएंगे छुटकी ऐसी बातें मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं और मिस्टर पाटनकर चौधरी साहब से बात करेंगे ठीक है अरे ये तो वैसे ही काला तक था है जैसे कला सभा में लगा हुआ हाँ लेकिन इसे नोटिस बोर्ड या सूचना पट कहते हैं इसका उपयोग आप लोग करेंगे पर इस पर तो पढ़ाते समय क्लास में आप लिखते हैं तो हमने सोचा आप ही लिखेंगे नहीं ये मेरे पढ़ाने के लिए नहीं है ये तो ज्ञान सागर जी ने यहाँ इसलिए लगवाया है ताकि आप लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो इस पे लिख सके और आप लोगों को अब तो लिखना भी आता है सर साहब मैं लिखूं इस पर हाँ लिखो ना अपुन को तो लगता है इसमें ज्ञान सागर जी की चाल है असल में बोर्ड उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए लगवाया है वो कैसे देख उन्होंने कहा है ना कि जो कोई भी सीएससी में सबसे ज्यादा पढ़ लिख जाएगा उसी को अपना सब कुछ दे देंगे कहे कि नहीं ये तो कहा है हाँ तो बस अब ये सब लोग इस बोर्ड पर जो कुछ उन्हें आता लिखेंगे और फिर ज्ञान सागर जी जो सबसे अच्छा होगा उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे फिर अपना तो कोई चांस ही नहीं है यार मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है सर साहब तेरे से कहते कहते थक गए कि पढ़ ले लेकिन तेरा आधा ध्यान तो पिंकी में और बाकी का आधा फिल्मों में लगा रहता है पढ़ने लिखने का टाइम किधर है तेरे पास चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते कभी अपनी गिरेवान में झांक के देखा है अरे काका ये क्या लिखा है यहाँ से पढ़ूं कि पेड़ से उल्टा लटक के ये सर एक टांग बंगाल में तो दूसर कन्याकुमारी में पहुंचा दिए हो हमने कम से कम कोशिश तो करी आप लोग तो खड़े खड़े 32 ही दिखाओ अब हमका का मालूम कि ये पर का लिखे का है कम से कम जो समझ में आए वो लिखो ठीक है ना सर साहब हाँ बिल्कुल जैसे पानी कितने बजे से कितने बजे तक आता है हाँ बिल्कुल और जो अच्छी अच्छी बातें आप सीखते हैं वो भी यहाँ लिख सकते हैं जैसे कर भला तो हो भला हाँ अब आपकी समझ में आ रहा है पर अंकल ऐसा तो हमें स्कूल में भी होता है ये कोई स्कूल के बच्चों से कम थोड़ा ना है मैं सोच रहा था कि क्यों ना किसी ज्यादा मीठा खाने से मधुमेह हो जाता
ये लोग भी। हाँ तो मैं कह रहा था कि खाना बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ज्यादा खा लिया। अरे देखो कितना तेज दिमाग चलता है इन लोगों का। काफी होशियार हो गए हैं मेरे स्टूडेंट्स। खाक होशियार हो गए हैं, बस इन्हीं शरारतों में दिमाग लगाते हैं। और जानते हैं ये सब आपसे मिली छूट का नतीजा है, और मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि इन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब तो नहीं कि ये इस तरह से बुरा मजाक करें। इसमें बुरा क्या? मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी ये सब कुछ लिखा है काफी क्रिएटिव माइंड है उसका। बस आप इनकी क्रिएटिविटी बढ़ाते रहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमें इन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है, इन्हें किताबें पढ़ना सिखाना है, ताकि ये ज्ञान प्राप्त कर सके, 10 लोगों में बैठकर कम्युनिकेट कर सके। मैडम शिक्षित होने का मतलब होता है मानव का संपूर्ण विकास होना। कोई गिनती सीख लेने से या अपना नाम लिखना सीख लेने से शिक्षित नहीं हो जाता। अरे ये इन्होंने उर्दू कहाँ से सीखी? ये मुफ्त के फ के नीचे नुक्ता नहीं लगा है? हद करती हो तुम भी। अरे आम बोलने चालने में हम उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग अब पढ़ना लिखना सीख गए तो कल तक जो ये बोलते थे आज लिखने की कोशिश कर रहे हैं बस। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल ये बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये सब आलतू फालतू की चीजें सीख रहे हैं ये लोग। ये सब मेरी ढील का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इन्हें टाइट करना होगा। अरे छूट नहीं देंगे तो ये सीखेंगे कैसे? इनकी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी? इनके माइंड के विकास के लिए हमें इन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोग करने का मौका देना चाहिए। अरे मौका दे दिया तो यही हरकतें करेंगे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी। अरे बहुत होशियार हो गए हैं ये, सब सीख जाएंगे। देख नहीं रहे कितना तेज दिमाग चलता है इन लोगों का? नहीं नहीं हाथ उठाना तो दूर, छुटकी के बाबूजी ने तो उसे आज तक कभी ऊंची आवाज में भी कुछ नहीं कहा। कल रात ही तो उन्होंने अपने हाथ से उसे खाना खिलाया था। बड़ा लगाव था चौधरी साहब को उससे। अब लगाव तो हर किसी को ही है उससे, वो है ही इतनी प्यारी। पर आपको पता कब चला कि वो घर पर नहीं है? आज सुबह जब छुटकी के बाबूजी दूध धोने गए ना तो देखा खूंटे की रस्सी खुली पड़ी थी। नहीं ऐसा तो नहीं कि रात में कजरी की रस्सी खुली छूट गई हो? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मान लो अगर रस्सी खुली रह भी गई हो तो पर कजरी जाती कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ, कहीं वो खुद तो कहीं नहीं चली गई। कैसी बातें कर रहे हो है? हमने छुटकी और कजरी में तो आज तक कोई फर्क नहीं समझा, वो इसी घर में तो पैदा हुई थी। चाची आपको क्या लगता है कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं ले गया? कुछ भी हो पर हमारा तो बहुत नुकसान हो गया ना। हमारी भैंसों में वो सबसे अच्छी नस्ल की भैंस थी, सबसे ज्यादा दूध देती थी वो। एक काम करते हैं। हाँ यहाँ नोटिस बोर्ड में उसके गुम हो जाने की सूचना लिख देते हैं। ठीक है। अगर किसी को भी उसके गुम हो जाने की जानकारी होगी तो वो ये नोटिस बोर्ड पढ़ के आपको उसके बारे में बता देगा। अब भैया जैसा तुम ठीक समझो ना वैसा ही करो, हमें तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि श्री राम शरण चौधरी की भैंस जिसका नाम कजरी है आज सुबह से नहीं मिल रही है। देखने में वो अन्य भैंसों जैसी ही है। चाची घर में आसपास सब जगह ठीक से देख तो लिया है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आसपास ही घूम रही हो। हाँ सब जगह देख लिया। अरे चौधरी साहब तो सुबह से उसकी तलाश में भटक रहे हैं। कद छोटा और रंग काला है। काली थोड़ी ना है वो, सांवली है। चलो सांवली ही लिख देते हैं। हाँ। रंग सांवला है।
उसकी आंखों का रंग कैसा था? ये तो कभी ध्यान से नहीं देखा, जहाँ तक याद पड़ता है काला ही है। आंखें बड़ी बड़ी और काली हैं। याद है गले में क्या पहने हुए है? अब इस समय तो कुछ नहीं याद पड़ता, पर कुछ ना कुछ तो पहने थी वो गले में। गले में भी कुछ पहने हुए है, जिस किसी को भी उसकी कोई जानकारी हो तो चौधरी साहब को बताने का कष्ट करें। लीजिए, लिख दिया। अब फिक्र मत कीजिए, किसी ना किसी को वो मिल ही जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे, पता नहीं किस हाल में होगी। भगवान करे जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए। आओ चलें। हाय राम, छुटकी ने ये क्या किया, इतना बड़ा कदम उठा लिया। शहर में पिक्चर देखने का मजा ही कुछ और है। एक डायलॉग इधर तो एक डायलॉग इधर, पानी भी ऐसे बरसता है जैसे सचमुच की बारिश हो रही हो। हरिया, हम सोच रहे हैं कि अब की बार इलेक्शन में जीतने के बाद यहाँ सिटी गांव में भी बिल्कुल शहर के सिनेमा घर जैसा एक सिनेमा घर खुलवाते हैं, फिर तुमको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। तुम्हें जब खुलवाना हो खुलवाना, अभी तो सुनो क्या थासू पिक्चर थी सर, और क्या एक्टिंग की थी नसीर भाई ने, बिल्कुल अपने पाटनकर सर साहब की तरह, उसूलों वाले, कभी नरम कभी गरम। और क्या गाना था पिक्चर में, ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ। तुमने रिप बजाया कि छुटकी घर से भाग गई, ये खबर तो मेरे बताने से पहले ही सबको पता चल गई है। क्या छुटकी भाग गई? ओए धीरे तो बोलो, ओए तेरे से तो बात ही करना बेकार है। ये क्या हुआ क्यों हुआ कब हुआ? पिंकी, तुम्हें कैसे पता कि छुटकी भाग गई? अरे ये पिंकी है, अगर तुम्हें ये बता देगी तो इसके होने का क्या फायदा। क्या है ना, मैंने अपने कानों से सुना है। वो मैं घर से निकली, रास्ते में मैंने प्यार से टॉमी कुत्ते को सहलाया, फिर मेरा पांव पत्थर से जा लगा, मैंने ओए मां कहा, और जब चोटी घुमाते हुए मैं नोटिस बोर्ड के पास पहुंची, ओए मैं ठीक से देखा था, अपन ने सारी पर्चियां उसी डब्बे में रखी थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ पिंकी के सिवा और चीजों में भी ध्यान लगाया करो। चुप कर बाप, कहीं कोई जब की वाट लगवा रहा है। बस अब मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने, वरना कल की तरह आज फिर तेरी वजह से डांट खानी पड़ेगी। और वैसे भी अब तो तेरा मन हिसाब में कहाँ लगेगा। तू बहुत शैतान हो गया, लगता तुझे ठीक करना ही पड़ेगा। क्या बात कर रही है, छुटकी भाग गई? मैंने खुद सुना है। पर चौधरी को तो अभी अपन आते टाइम देखा था। चौधरी की बेटी भागी है, चौधरी नहीं, क्या ये लोग भी। छुटकी घर से भाग गई, वाओ, काश मैंने उसके साथ एक या दो दिन के लिए भाग ही जाता, इतना मजा आता ना। ए तू चुप कर, क्या बंदर की तरह उछल रहा है, क्या अपना होमवर्क कर। अब तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। ए पिंकी बता ना, छुटकी किसके साथ भागी है, कैसे भागी है, क्यों भागी है, कब भागी है, सब कुछ के भागी है कि खाली हाथ भागी है, हमेशा के लिए भागी है कि वापस आने के लिए भागी है, कितने। बस कर, मेरे तो सिर में वो हो गया है। क्या? अरे वही जो अंग्रेजी में हसा एक हो जाता है ना, है देख। हाँ हाँ वही, सर जो तेरा चकराए यादें दुबा जाए। तो फिट का छोकरा, कान देखो कितने लंबे, तू भाग यहाँ से, नहीं तो रामू काका को बुलाता हूँ। रामू काका, रामू काका, किसको बताऊं किसको बताऊं। अपनी छुटकी है ना, घर से भाग गई। अपनी छुटकी है ना, घर से भाग गई। चाची क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? कहाँ पता चला, सुबह से इधर उधर दौड़े फिर रहे हैं, पर उसकी कोई खबर नहीं मिली।
अरे भाई खबर करके तो कोई भी नहीं भागता है ना। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई चिट्ठी छोड़ी होगी कि माँ मुझे माफ कर देना, बाबूजी का ख्याल रखना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना वगैरह वगैरह। अरे भैया कोशिश ही कर सकते हैं, शायद मिल ही जाए। वैसे तो नोटिस बोर्ड पे भी लिख ही दिया है, किसी ना किसी को वो दिख जाएगी, उसे वापस ले आएगा। कोई दूध पीती बच्ची है जो कोई उसे पकड़ कर वापस ले आएगा। भाई ठीक है अब वापस ना भी लेकर आए, पर चौधरी साहब को खबर तो लग जाएगी उसकी सलामती की। मेरी कजरी सही सलामत हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। चाची ईश्वर पर भरोसा रखो, कजरी मिल जाएगी, अभी बहुत दूर नहीं गई होगी। मुंबई गई होगी, अपनी शर्त लगा सकता है। अमची मुंबई नगरी में हर रोज सैकड़ों नौजवान हीरो हीरोइन बनने का सपना लेकर घर से भाग कर जाते हैं। अब मैं समझा, तुम भी मुंबई भाग के गए थे ना हीरो बनने, पर जब भीड़ तक के शोर ने भी तुम्हारे कोई चांस ही नहीं मिला तो लगे टैक्सी चलाने। तू ज्यादा ही मस्करी कर रहा है, लगता है साहब को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर भी रिपोर्ट तो कर ही देनी चाहिए, क्या पता हो सकता है रात में कोई चुरा ले गया हो। छुटकी के बाबूजी ने शायद रिपोर्ट तो कर दी है, तू जाकर पुलिस स्टेशन में पता करना, हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग बस सोचते रहिए क्या करना है, हम तो जा रहे हैं चौधराइन के पास अफसोस करने। एक अच्छे नेता की यही निशानी है कि वो आम जनता के सुख दुख में शामिल हो। मेरी कजरी वैसे तो शांत स्वभाव की थी, बस इधर कुछ दिनों से चिड़चिड़ी हो गई थी। चौधराइन जी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, वो कल ही तो हमें दिखी थी। कल ही तो हमने भी उसे आखिरी बार देखा, छुटकी के बाबूजी ने जब उसे कल रात खाना दिया उसके बाद तो उसे किसी ने भी नहीं देखा। चौधरी साहब को तो उससे बड़ा लगाव था। अरे वो तो सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए उसे ढूंढ रहे हैं, पानी तक नहीं गया उनके मुंह में। चाची मैं देखता हूँ शायद पुलिस स्टेशन में कुछ पता चले। हाँ भैया जाओ तुम जाकर पता करो। चलो हम भी साथ चलते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर गुरु मैं संभाल लूंगा। हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हो तो बिना संकोच किए बताइएगा। भौजी इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताऊं लोटन भैया, सुबह से दौड़ भाग में कुछ सूझा ही नहीं, घर पर भी सबका बहुत बुरा हाल है। जब से मैंने सुना है मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। मैंने तो उसे बचपन से बड़े होते देखा है ना। याद है भैया जब वो पैदा हुई थी तो सबसे पहले तुम ही ने उसे उठाया था। तुम हिम्मत मत हारना, वो जरूर वापस आएगी। वो जो ऊपर वाला है ना वो बड़ा दयालु है। अपुन को तो समझ नहीं आ रहा कि अपुन क्या बोले, अपुन की तो बहन जैसी थी वो। मेरी भी तो वो बेटी की तरह थी, बेटी की तरह क्या बेटी जैसी ही थी। बोले तो सगी नहीं थी, गोदली थी। नहीं नहीं सगी जैसी ही थी। छुटकी क्या चौधराइन की सगी बेटी नहीं थी? पैदा तो चौधराइन ने किया था, अब सगी थी या नहीं भाई ये नहीं पता। लगता है गहरा सदमा पहुंचा है। ओए होए आंटी जी आप ना घबराओ मत, बड़ा प्यार करती है वो आप लोगों से, जरूर वापस आ जाएगी। बेटा प्यार तो हम भी बहुत करते थे उससे, अगर जरा भी उसने हमारे प्यार के बारे में सोचा होता ना तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाती। मुझे तो लगता है कोई दुर्घटना हो गई होगी। अरे नहीं आंटी जी घबराओ मत, कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी, 3 बजे की लास्ट ट्रेन पास कर चुकी है। ए हाफी का चक्कर, हम अभी ग्राम मंत्री जी को फोन किए देते हैं, वो इलाके की सारी पुलिस को चौकन्ना कर देंगे, आखिर उसे ढूंढ ही लेंगे। जब हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस कहाँ से लाएगी? ये आदमी बस नेता ही बन सकता है, बोल बड़े और दर्शन छोटे। अब तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, देखते हैं अगर ना मिली तो फिर दूसरी तो लानी ही पड़ेगी। कैसी बात कर रही हो बहूजी, ऐसा कहने से कहीं रिश्ते टूटते हैं भला। आहो आंटी जी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई चाची, आवाज जल्दी चला। मिल गई, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे पर मिली कहाँ? वो बिरजू है ना ऊकर खेत में थी। क्या? अच्छा जल्दी चला चाची। हाँ, हाँ, ठीक है चलो चलो। मैं तो पहले ही जानती थी कि छुटकी जरूर उसी बिरजू के साथ भागी होगी। अरे पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? यूँ बेवजह इधर उधर की बातें करना वैसे भी मेरे स्वभाव में नहीं है। हाँ तूने तो बिल्कुल बसंती की तरह बात कर दी। कौन बसंती? अरे वही शोले वाली हेमा मालिनी। ये बिरजू ने ठीक नहीं किया। अपन तो मान गया बाप, क्या भोला लगता है वो बिरजू। आज कल तो किसी का भरोसा ही नहीं किया जा सकता है,
हर कोई अपने असली चेहरे के सामने एक नकली चेहरा लगाए रखता है। अरे ढक्कन गुरु, तुमसे बेहतर ये कौन जान सकता है भला? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले छुटकी को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए था ना। इतिहास गवाह है कि जब जब प्यार करने वालों के बीच जमाना दीवार बना है, प्यार करने वालों ने सारी बेड़ियों को तोड़कर फेंक दिया। अरे कौन सा इतिहास? फिल्मों का इतिहास। आमिर खान कयामत से कयामत तक में पहले जूही चावला को लेकर भागता है और फिर दिल फिल्म में माधुरी दीक्षित को लेकर भागता है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब चुप कर नहीं तो अनारकली की तरह तुझे भी दीवार में चुमा दिया जाएगा। ओए होए, तुम दोनों तो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हो। मेरा दिल तो ये सोच सोच के डूबा जा रहा है कि चौधरी साहब अब छुटकी और बिरजू का क्या हाल करेंगे। करेंगे क्या, दोनों की शादी करवा। ओए होए, क्या बात कर रहा है। अगर चौधरी साहब को छुटकी और बिरजू की शादी करवानी होती तो छुटकी को भागने की क्या जरूरत थी। बिरजू तो दूसरी जात का है। हम सब भारतवासी हैं और हमारी सिर्फ एक पहचान है, इंसानियत। हमें जात पात से ऊपर उठना चाहिए। हम चौधरी साहब को समझाएंगे, वो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। अगर बिरजू दूसरी जात का है तो क्या हुआ। अरे भाई, क्या बहस चल रही है, कौन दूसरी जात का है। मैडम साहब गजब हो गया, वो अपनी छुटकी है ना बिरजू के साथ घर से भाग गई थी। क्या क्या कह रही हो पिंकी तुम, छुटकी घर से भाग गई थी कब। कल रात को सुबह से चौधरी साहब उसे ढूंढ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बिरजू के यहाँ मिली है। चौधराइन चाची का तो रो रो का बुरा हाल हो गया था। ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। मैं तो आज ही शाम को मिस्टर पाटंकर के साथ जाकर चौधरी साहब से छुटकी और बिरजू की शादी की बात करने वाली थी। छुटकी ने घर से भागकर अच्छा नहीं किया, बात तो अब और भी बिगड़ गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक में भी आमिर खान और जूही चावला घर से भागने के बाद पिक्चर के अंत में नहीं मिल पाते। बिरजू और छुटकी को भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के शाहरुख खान और काजोल की तरह घर से नहीं भागना चाहिए था। अंत में अमरीश पुरी, मेरा मतलब है चौधरी साहब, सच्चे प्यार के आगे घुटने टेक ही दे। अरे तुम लोगों ने मुन्ना को कहीं देखा, उसे भी बता दे, वो सुबह से हमारे साथ परेशान हो रहा था। क्या हुआ बहू जी, मिल गई चौधरी साहब कहाँ है। हाँ भैया मिल गई, अब जाकर जान में जान आई है। छुटकी के बाबूजी उसे घर ले गए हैं। बहन जी आपको बहुत परेशानी हुई होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब घर वापिस आ गई है तो उसे कुछ मत कहिएगा, गलती तो सभी से हो जाती है। हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, छुटकी के बाबूजी सारे रास्ते बड़े प्यार से उसे गन्ना खिलाते हुए ले गए हैं। ऐसे ही प्यार करते रहना वरना फिर भाग जाएगी। कौन भाग जाएगा, हमारी भैंस कचरी है, मेरी बेटी छुटकी। छुटकी हाँ, आपकी बेटी छुटकी आ गई। माँ बाबूजी आपको बुला रहे हैं। ओहो, मैं तो बातों में ही लगी रह गई। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, ऐसे समय में आप सबने बहुत साथ दिया। चल बेटा छुटकी, हम भी चले। ये क्या गड़बड़ है, आप लोग तो कह रहे थे कि छुटकी भाग गई थी। मैडम जी जहाँ तक अपन को मालूम है भागी तो छुटकी थी, लेकिन लगता लफड़ा कुछ और ही है। मुझे तो ये डबल रोल का चक्कर लगता है, जो छुटकी भागी थी वो भागने वाली छुटकी, और जो छुटकी मिली थी वो भागने वाली छुटकी नहीं थी, वो मिलने वाली छुटकी थी। अब मतलब जैसे सीता और गीता फिल्म में जो हेमा मालिनी भागी थी वो भागने वाली सीता थी, और जो सीता मिली थी वो भागने वाली सीता नहीं थी, वो मिलने वाली गीता थी, लेकिन थी दोनों हेमा मालिनी। अरे ये क्या उलझन उलझ बक रहे हो तुम, आखिर माजरा क्या है, साफ साफ बताओ कि कौन खोया था और कौन मिला। सर जी मैं समझाता हूँ, कल रात तक छुटकी घर पर ही थी और राम शरण चौधरी जी ने खुद उसे खाना भी खिलाया था, पर जब सुबह देखा तो वो घर से गायब थी और सारे दिन ढूंढने के बाद बिरजू के यहाँ मिली है। लेकिन चौधराइन तो अभी कह रही थी कि उसकी भैंस कजरी मिली है, यही ना। इसका मतलब ये है कि छुटकी नहीं कजरी खोई थी। पर सर साहब, चौधराइन आंटी भी तो सुबह से छुटकी के गायब होने की बात कर रही थी, पर पता नहीं अब अचानक क्यों पलट गई है और अपनी भैंस कजरी के गायब होने की बातें करने लग गई है। एक मिनट, मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि तुम लोग ये मानकर चल रहे थे कि जो गायब हुई है वो चौधराइन की बेटी छुटकी है, और चौधराइन ये मानकर चल रही थी कि तुम उसकी भैंस कजरी के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन मैडम साहब, हम लोगों के साथ साथ आपको भी तो ऐसा लगा। अब वो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ
कि ना ही हमें पता चला कि जो गायब हुई थी वो छुटकी नहीं कजरी थी, और ना ही जो धाई ये जान पाई कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि आपको ये कैसे लगा कि छुटकी भाग गई है। मुझे तो इन लोगों ने बताया था कि छुटकी घर से भाग गई थी। मैडम, इसमें अपुन का भी कोई मिस्टेक नहीं है, वो तो पिंकी ने अपुन को बताया था। और पिंकी ने बताया था कि उसने खुद ये सब कुछ सुना है। ओहो, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है। कहाँ सुनी तुमने ये बात? वो सुबह मैं घर से निकली, उन्होंने तो नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था। कहाँ लिखा है ये यार? तुमने इसे पढ़ा था? ओए होए, अब वही तो मात खा गई, पढ़ना ही तो नहीं आता। और पढ़े बगैर आधी अधूरी बातें सुनकर तुमने इतने नाजुक मामले पे बातें बनाना शुरू कर दिया। पर मैडम साहब, वो उस दिन छुटकी और उसकी माँ के बीच बात चल रही थी ना, मेरे को लगा चौधराइन आंटी आज उसी के बारे में बात कर रही है। और बस दो और दो चार कर लिया तुमने और निकल पड़ी ढिंढोरा पीटने। इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि रामशरण चौधरी की भैंस खो गई है, जिस किसी को भी सूचना मिले फौरन खबर करे। और जानते हो, आज तुम लोगों के ना पढ़ पाने की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। हमें माफ कर दीजिए मैडम साहब। ऐसे नहीं, तुम लोगों की सजा है कि तुम सब लोग हिंदी वर्णमाला 100 बार लिख कर लाओगे। लौट के बुद्धू घर को आए। उर्दू सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है, अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है। घूम गया है भेजा अपना, सब कुछ पढ़ जाएंगे।